हाँ, जिसका इंतजार आ गया वो शाकार, नेशनल T20 सर के ऊपर और वीडियोस आएंगी हमारी बेशुमार। आज जिस टीम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिंध की टीम, सिंधी मानो बाबा सिंधी। टाइम हुआ है कि आपसे ट्रिविया का क्वेश्चन पूछा जाए। आपने हमें ये बताना है कि नेशनल T20 की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा लगातार मैचेस किस टीम ने जीते हैं और कितने जीते हैं। चलिए हम चलते हैं अब स्क्वाड्स की जानिब। अगर हम स्क्वाड की तरफ निगाह डालें तो स्क्वाड में कप्तानी कर रहे हैं हमारे बहुत ही प्यारे सरफराज अहमद। अरे बॉल तो पकड़ो यार। वाइस कप्तानी कर रहे हैं टैलेंटेड सऊद शकील और दीगर स्क्वाड में शामिल हैं एहसन अली, अनवर अली, असद शफीक, आजम खान, दानिश अजीज, हसान खान, खुरम मंजूर, मीर हमजा, मोहम्मद असगर, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद ताहा, रोमान रईस, शर्जील खान और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सुहेल खान। वैसे तो सिंध की टीम में काफी बड़े नाम होते हैं हमेशा से, लेकिन लास्ट ईयर इन्होंने सेकंड लास्ट पे फिनिश किया, यानी नीचे से ये रनर अप रहे हैं। सो इस बार उम्मीद की जा सकती है कि ये बेहतर परफॉर्म करेंगे। सिंध की टीम की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो इनका टॉप ऑर्डर और इनकी फास्ट बॉलिंग है इनकी मेन स्ट्रेंथ। टॉप ऑर्डर में देखें तो एहसान अली, खुरम मंजूर और ऐसे दीगर नाम भी हमें नजर आते हैं जो कि इनके टॉप ऑर्डर को करेंगे काफी स्ट्रॉन्ग, और फिर आजम खान भी तो उनकी टीम का हिस्सा है। फास्ट बॉलिंग की बात करें तो सुहेल खान जैसा एक्सपीरियंस बॉलर और मोहम्मद हसनैन जैसा तेज बॉलर इनके पास मौजूद है जो कि इनकी फास्ट बॉलिंग की स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। सिंध की टीम के वीक एरियाज को देखा जाए तो उसमें इनके मिडिल ऑर्डर में पावर हिटर्स की कमी नजर आती है जो इनको प्रॉब्लम दे सकती है, और इसके साथ साथ स्पिनर्स भी इनके पास दो हैं और वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर। कोई ऑफ स्पिनर इनके स्क्वाड में हमें नजर नहीं आता जो कि शायद इस टूर्नामेंट में इनके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। टाइम टू डिस्कस प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इन सिंध टीम। सिंध की टीम में सबसे पहला नाम जहन में आता है विकेट कीपर, बैट्समैन और इनके कप्तान सरफराज अहमद, जो कि पाकिस्तान के भी कामयाब तरीन कप्तान रह चुके हैं। तो डेफिनेटली इस टूर्नामेंट से वो अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस के जरिए एक बार फिर पाकिस्तानी टीम में अपनी जगह मजबूत करना चाहेंगे। आजम खान भी सिंध की टीम में एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी वक्त मैच का पांसा पलट सकते हैं। आर डेफिनेटली प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। इस पूरे टूर्नामेंट में अगर आप मुझसे पूछेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग प्लेयर कौन सा है तो मैं कहूंगा शर्जील खान, जो कि सिंध की टीम के टॉप ऑर्डर में मौजूद हैं और डेफिनेटली फैंस उनके चौके और छक्के देखने के लिए बेताब हैं, और वो अपनी पावर हिटिंग से किसी भी वक्त गेम को वन साइडेड कर सकते हैं। बात हो सिंध की टीम की और हम मोहम्मद हसनैन का जिक्र ना करें तो ये जरा ज्यादती होगी। यंगेस्ट हैट्रिक करने वाले T20 इंटरनेशनल्स में मोहम्मद हसनैन अपनी पेस बॉलिंग से डेफिनेटली बहुत सारे बैट्समैन को करने वाले हैं इस नेशनल T20 में परेशान। व्यूअर्स, वीडियो के स्टार्ट में हमने आपसे पूछा था कि नेशनल T20 की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा लगातार मैचेस किस टीम ने जीत रखे हैं, तो इसका आंसर यह है कि सबसे ज्यादा मैचेस सियालकोट स्टैलियंस की टीम ने जीते हैं। लगातार 25 मैच, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि T20 क्रिकेट की हिस्ट्री का ओवरऑल सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 2006 से लेकर 2010 तक सियालकोट की टीम अनबीटन रही थी। सो व्यूअर्स, ये था सिंध की टीम का प्रीव्यू। आपके ख्याल में कितने चांसेस है सिंध की टीम के जीतने के? हाँ, ये तो आप बताएंगे। हम ऐसी मजीद वीडियोस ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।